मैथमेटिक्स और ये है 10th क्लास का स्टूडेंट्स। आज हम इसके साथ मिलकर ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस के कांसेप्ट को खेल के माध्यम से सीखेंगे। फिर आप देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस, ये दोनों लाइंस कैसे हैं, पैरेलल लाइंस है एंड ये कैन बी ट्रांसवर्सल है, ये क्या ट्रांसवर्सल है। अब मैं जहाँ पे हाथ रखूंगा उसके पैरेलल में आपको एंगल दूंगा, आपको उसी एंगल पे हाथ रखना है। तो ये 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंड 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल, जल्दी बताओ, हाँ ये नहीं है, 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5 होगा, कौन सा होगा, 5 होगा। आप इसी खेल के माध्यम से, इन सारी एक्टिविटीज़ों के माध्यम से आप सीख सकते हो कि भाई ट्रांसवर्सल तो यही है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये होगा, वेरी गुड। लेकिन अब मैं पूछता हूँ आपसे कि 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, नहीं ये नहीं होगा, अल्टरनेट में ये आ जाएगा, अल्टरनेट में कौन सा आएगा, 7 आएगा। तो इस तरीके से हम बच्चों को इसको खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है कि हम सड़क पर या ग्राउंड में जाके बच्चों को ले जाके 2 लाइन खींच लें पैरेलल और उनकी ट्रांसवर्सल, उनको नंबर दे दें और जंप लगा के बच्चों को इन्हीं एंगलों पर चलने के लिए कहें, तो उससे भी सीख सकते हैं। धन्यवाद।